नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान फ्रॉम योर डोरस्टेप डॉट सीओ इंडियन लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड होम केयर सर्विस से सभी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ट्रांसलेशन क्या होता है, हम अपना डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन क्या करा सकते हैं। कोई पूछता है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, उसका ट्रांसलेशन कराना चाहता हूँ, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, मैं ट्रांसलेशन कराना चाहता हूँ, या मेरा जो निकाह नाम है वो उर्दू में बना हुआ है, मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है और मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब किसी एक लैंग्वेज से अपने डॉक्यूमेंट को आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट हो, या फिर आपका कोई भी वो डॉक्यूमेंट हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे करते हैं और हम आप लोगों को सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो इंडिया में कोई संस्था नहीं है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, प्रॉपर गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रखे जिसके अंदर वो ट्रांसलेशन करके देते हैं। लेकिन वेरीफाइड ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर्स होते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन का कोर्स किया है, ठीक है, वही आपको आपका ट्रांसलेशन करके देते हैं। जैसे कि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपका बनवाना है और आपका निकाह नामा उर्दू में है और आप उसे इंग्लिश में कराना चाहते हैं, तो सिर्फ एक वेरीफाइड ट्रांसलेटर ही जिसने ट्रांसलेशन का कोर्स कर रखा है या फिर कोई एडवोकेट जिसने ट्रांसलेशन का कोर्स कर रखा है वही उसे ट्रांसलेट करके अटेस्ट करके आपको देगा और तभी वो वैलिड होगा। अदरवाइज आप उसे गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट कर दें तो वो वर्क नहीं करेगा। ट्रांसलेशन के साथ उसको उस व्यक्ति ने जिस कंपनी ने उसको ट्रांसलेट किया है उसका अटेस्टेशन भी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, योर डोरस्टेप यानी कि हमारी कंपनी आपकी इसमें हेल्प करती है। अगर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट या फिर कोई बुक हो, सपोज आपकी कोई बुक है वो उर्दू में, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, या वो किसी और लैंग्वेज में जर्मन में, आप इंग्लिश में कराना चाहते हैं, इंग्लिश है जर्मन कराना चाहते हैं, या आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को या फिर अपने किसी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट को या फिर अपने प्रॉपर्टी पेपर्स को आप ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, तो जो डोरस्टेप इसमें हेल्प करती है। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि हमारे ऑफिस के एड्रेस पे, जो कि इस वेबसाइट वीडियो के नीचे डाला होगा या फिर हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, वहां पर जाके आप इस चीज को ले सकते हैं। हमारे ऑफिस के एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं कुरियर करने होते हैं या फिर हम लोग आपके घर से उस डॉक्यूमेंट को पिक करते हैं एंड विद इन 7 to 10 days उसको हम ट्रांसलेशन करा के आपके घर पे वापस कुरियर बैक कर देते हैं या फिर आपके घर पे वो डॉक्यूमेंट दोबारा से ड्रॉप कर देते हैं। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि वो ट्रांसलेटेड हुआ है प्लस वो अटेस्टेड है। अगर वो अटेस्टेड नहीं है और सिर्फ ट्रांसलेशन कॉपी है तो वो किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे तो मीन्स ट्रांसलेट कराना चाहते हैं तो बस आप हमें अपना वेबसाइट के नीचे, हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट को विजिट करके हमारे साथ सर्विस बुक कर सकते हैं और हमारा कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट पिक कर लेगा और आपका ये काम हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप अगर कोई पूछे कि इसकी प्राइस रेंज क्या है, कितना खर्चा आता है इसको ट्रांसलेशन कराने में, देखिए फ्रेंड्स ये टोटली डिपेंड करता है कि ठीक है आप कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा रहे हैं, आप कितने पेपर ट्रांसलेट करा रहे हैं, सपोज आप एक बुक ट्रांसलेट करा रहे हैं या सिर्फ आप एक मैरिज सर्टिफिकेट ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन सर्विस चाहिए तो आप हम लोग के थ्रू बुक कर सकते हैं। हम लोग ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप हमें कॉल करें या हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेरी फॉर्म भर के हम लोगों से संपर्क करें। हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा और आपकी इस क्वेरी के सॉल्यूशन देगा। तो फ्रेंड्स, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।